तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो इंटरनेट ब्राउजर होता है बीटा वर्जन वाला, दोस्तों उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट्स के बाद वहां पर क्या नए चेंजेस किए गए या फिर बोल सकते हैं क्या नए फीचर एड ऑन किए गए उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसए टेक में। तो दोस्तों जैसा कि होता है मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में, गैलेक्सी स्टोर में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर बीटा वर्जन पे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट का वर्जन नंबर है 23.00.28। इसको रोल आउट किया गया है 1 सितंबर 2023 में, जिसका साइज है अपडेट साइज है 118 MB का। अब यहाँ पर दो नए फीचर एड ऑन किए गए, तो पहले अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर दो नए फीचर एड ऑन किए गए हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ डे ऑफ हिस्ट्री सेव। पहले क्या होता था यहाँ पर कि अगर कोई भी आपने ब्राउजिंग करी है तो वो सिर्फ 7 दिन तक का डेटा वहाँ पर सेव रहता था। मान लो कि आपने कोई google.com या फिर कोई ऐसी वेबसाइट खोली है जिसको आपको देखना हो तो सिर्फ आप 7 दिन तक के पुराना डेटा ही देख पाते थे, उसके बाद वो डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता था। बट इस अपडेट के बाद आपको 30 डेज का वहाँ पर डेटा स्टोर हो जाएगा। अब 30 दिन तक का आप डेटा वहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी हिस्ट्री में जाके। सबसे पहला चेंजेस ये किया गया है। सेकेंड चेंजेस किया गया है सपोर्ट ऑफ URL ऑटो कम्प्लीट इन एड्रेस बार। मतलब कि आप वहाँ पर शॉर्ट URL डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोनों फीचर को आगे देखते हैं यूज़ करके। तो सबसे पहला जो फीचर है इंक्रीज नंबर ऑफ डेज ऑफ हिस्ट्री सेव, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, इसको अपडेट होने के बाद मैं ओपन करके आपको और बता देता हूँ। फाइनली ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको कर लेना है इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चले जाना है। ओपन करने के बाद यहाँ चले जाना है, यहाँ पर आपको हिस्ट्री में चले जाना है। तो हिस्ट्री में करने के बाद अब आप ऑल टाइम में जाएंगे। अब आपको यहाँ पर 30 डेज तक की हिस्ट्री मिलने वाली है, जो कि पहले सिर्फ 7 दिन की रहती थी। अब आपको ये 30 दिन तक की यहाँ पर आपको हिस्ट्री मिलने वाली है, जो कि बहुत शानदार है। हम कुछ ब्राउजिंग कर लेते हैं पर बाद में हमें ध्यान रहता है यार कौन सी वेबसाइट पे गए थे, आप यहाँ पर जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये फीचर सबसे बेस्ट लगा मुझे। सेकेंड फीचर है जो कि है कि आप वहाँ पर शॉर्ट URL डालेंगे और वो ऑटोमेटिक कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने गूगल लिखा, उसने ऑटोमेटिक google.com कम्प्लीट कर लिया। ऐसे ही मैं अगर ऐप भी लिखूँगा तो हो सकता है उसने फेसबुक ऑटोमेटिक कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो ऑटोमेटिक कंप्लीट करता जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको दे दे ताकि आप क्विकली किसी भी वेबसाइट में यहाँ पर जा सकें। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है दोस्तों। यही नई चीज़ यहाँ पर अपडेट किए गए, आप हो सकते हैं यही दो नए फीचर एड ऑन किए गए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मेरे से लाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।